गुड मॉर्निंग अगेन नई क्लास के साथ। अब दो कंपाउंड वॉवल्स हमने यहाँ पर लिए हैं, ए आई और ए वाई। ठीक है, अब ए आई से जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं तो एम ए आई डी मैड की मेड, मेड यानी जो काम में काम घर का काम देखती है, जो बाई होती है जिसको धाई बोलते हैं ना, बाई धाई घर का काम देखते हैं, उसी से ये कामकाजी जो महिलाएं होती घरों में काम करती वो मेड। और मैड अलग होता है, आर यू मैड, मेड इन इंडिया, वो एम ए डी ई प्रोनाउंस करते हैं मेड इन इंडिया, और ये है मैड, एस ए सी एच ए आई एन चैन ची एफ ए आई एल फेल नो फेल जे ए आई एल जेल जेल डब्ल्यू आई एस टी वेस्ट वेस्ट एक डब्ल्यू एस टी वेस्ट होता है, वो होता है बर्बाद करना, किसी चीज को खराब करना, WAST, डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट इज वेरी प्रीशियस, समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। पर ये वेस्ट होता है कमर 35, 38, 40, 40। फेल यानी होता है असफल होना, असफल मतलब आप अपने काम में असफल हो गए हैं, जैसे आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और आप अपने परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, या किसी काम के प्रति आप असफल हो जाते हैं, तो वहाँ हम ये फेल वर्ड यूज़ करते हैं। जेल कारावास सबको मालूम है, वेट यानी इंतज़ार करना, इसलिए वेटिंग हॉल आप जाते हैं, बसेस ट्रेन के इंतज़ार करते हैं, वहाँ वेटिंग रूम होते हैं, वेटिंग हॉल होते हैं। स्नेल यानी घोंगा जो खोल बनाकर चलता, वेन यानी व्यर्थ, टेंट तो मैं आपको मालूम है तंबू, पेल यानी होता है पी ए पी एल ए आई एन प्लेन यानी होता है आपका समतल, बिल्कुल भी जो समतल स्थान होता है उसको हम यूज़ करते हैं प्लेन, जैसे मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, प्लेट्यूज जो एक वर्ड यूज हुआ है, तो उसका मीनिंग होता है आपका समतल मैदान। ब्रेन, ब्रेन और माइंड बड़ा कंफ्यूज करता है, व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट इज इन योर ब्रेन, इसका मतलब बता सकते हैं, ब्रेन का मतलब क्या होगा, और दरअसल ये पेल का मतलब होता है बाल्टी जो होती है ना वो होती है, और पी एल ई पेल यानी होता है फीका, वो प्रोनाउंस हम करते हैं एल ई, ई जब भी हम लगाते हैं तो स्ट्रेस करते हैं, मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में और पुराने लेक्चर्स में चीज़ें बताई है। यहाँ पर पी ए आई एल पेल यानी होता है बाल्टी बकेट, और पी एल ई पेल यानी होता है फीका, जैसे हल्का कलर जो होता है ना उसको बोलते हैं पेल। ड्रेन सिस्टम आप जानते हैं, ड्रेनेज आपका नाली का जो सिस्टम होता है ड्रेन, एस ए आई एल सेल यानी होता है चलाने वाला, खेने वाला, नाविक जो होता है ये सेल है, पपाय द सेलर, आपने अगर बचपन में कार्टून्स देखे होंगे तो पपाय द सेलर पालक खा के ताकत दिखा के अपने जहाज को दौड़ा देता है। चेन यानी जंजीर होता है, और प्रेज यानी होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, योर वर्क इज प्रेज वर्दी, आपका कार्य प्रशंसनीय है, अर्थात आपका कार्य जो है वो प्रशंसा के योग्य है। चलिए अब आके ए वाई पे, ए वॉवेल है और वाई जो है आपका सेमी वॉवेल है, दोनों को मिलकर बना करके हमने कंपाउंड वॉवेल एक स्वर है उसका उच्चारण कैसे करते हैं, जैसे एस ए वाई से पी ए वाई पे, डब्ल्यू ए वाई वे अवे, अवे यानी दूर, डोंट गो अवे, कीप अवे द थिंग्स, स्प्रे यानी छिड़कना, स्टे यानी ठहरना, थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर रुकने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड होता है स्टे।
ठीक है। रिले यानी चलाना होता है, रिले टेलीकास्ट की तरह प्रयोग करते हैं। हे इज मेड फ्रॉम हाउ आर यू, एच से हाउ, ए से आर और वाई से यू, ये बना हुआ है काहे से, हाउ आर यू से, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हे, डी ए वाई डे। बे यानी खाड़ी, जो समुद्री क्षेत्र होता है उसको हम खाड़ी बोलते हैं, जैसे समुद्र के बाजू में कुछ छोटा स्थान जहाँ कुछ चीज़ें उग जाती हैं, तो बे आप बंगाल आपने सुना ही होगा, है ना। स्टे यानी ठहरना होता है, और टुडे यानी आज, रिले आप मालूम, ग्रे हल्का जो रंग होता है ग्रे जिसको बोलते हैं, ट्रे यानी तस्तरी, एक्स रेज सन रेज, जो रे यानी होती हैं किरणें, ठीक है, ये होती हैं किरणें। और अभी ये लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, पर ये वर्ड्स इनके साथ जो मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ इनको आप ज़रूर याद करते चलें, आगे के लेक्चर्स में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कुछ पेरिफेरल्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि माइक को मैं स्टे नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए आप देखते हैं सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, नहीं तो इंडियन सॉफ्टवेयर आपको मालूम है एक ज़बरदस्त है जिसका नाम है जुगाड़मेंट, वो फहराएंगे कुछ ना कुछ। धन्यवाद।